गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग। हम इस वक्त गुड़गांव में ये सेक्टर 9 है और ये 204 स्क्वायर यार्ड है 3 BHK और ये ईस्ट फेसिंग है गाइस। और ये सामने में इसका लोकेशन काफ़ी अच्छा है, चूँकि आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्टर 9 गुड़गांव है ये, और लोकेशन काफ़ी अच्छा है ये और ईस्ट फेसिंग है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया क्योंकि आप देख सकते हो ये, और काफ़ी अच्छे लोकेशन के साथ बना हुआ है ये। ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया जो कि आप देख सकते हो ये, और यहाँ पे भी नीचे में इन्होंने कुछ दिया हुआ है। ये हो गया रैम्प एरिया जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका मेन गेट हो गया ये, और ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दी स्टिल पार्किंग। ये इसका पार्किंग एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी साइज़ काफ़ी इसका ह्यूज है, काफ़ी बड़े साइज़ का ये इवन। तो ये साइज इसका फ्लोर्स में मार्बल का काम किया गया है पूरा इसमें, और ये इसका स्टिल पार्किंग हो गया। और यहाँ पे जो टेरेस होगा वो कॉमन ही रहेगा, रूफ राइट के साथ यहाँ नहीं मिलेगा आपको। और इधर यहाँ पे इसका पार्किंग हो गया। मूविंग ऑन टू दी स्टेयर्स केस, ये इसका एलिवेटर हो गया स्पेस, फिटिंग्स मिलेंगे इसमें आपको सारे सिंडलर के। और ये इसका स्टेयर्स रूम हो गया जो कि आप देख सकते हो, मार्बल का काम किया गया पूरा इसमें। मूविंग ऑन टू दी फ्लैट, ये इसका देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने लगाया है मार्बल, 205 स्क्वायर यार्ड फ्रेंड्स अप्रॉक्स में। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द लॉबी एरिया। आप देख सकते हैं इसमें फॉल सीलिंग का प्रोविजन दिया हुआ है सामने में। यहाँ पे ये इसका लॉबी एरिया हो गया, इन्होंने कुछ वुडन का वर्क किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका फ्लोर एरिया है, फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है पूरे में जो कि आप ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ यहाँ पे भी। और इसका ये देख सकते हो ये ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी, सामने में बालकनी हो गया ईस्ट फेसिंग के लिए। ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया फ्रेंड्स, और ये लॉबी एरिया है, ये इसका किचन एरिया हो गया, ये इसका सेकंड बेडरूम हो गया, ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दी फर्स्ट बेडरूम। फिर आप देख सकते हो फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है पूरे में जो कि आप देख सकते हो, ये सामने में यहाँ पे ग्लास मिल रहा है आपको, प्रॉपर लाइट आएगी, और फॉल सीलिंग का प्रोविज़न भी आपको मिल रहा है इसमें, एसी के प्रोविज़न भी आपको इसमें मिल रहे हैं। और ये इसका फ्लोर हो गया जो कि इसमें टाइल्स का काम किया गया है। आपको इसमें टीवी कैबिनेट भी मिल रहा है जो कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये इसका टीवी कैबिनेट हो गया, और ये इससे अटैच ये वॉशरूम है जो कि फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है पूरे में, फ्लोर्स में टाइल्स का काम किया गया है इसमें क्योंकि आप देख सकते हो, ये टाइल्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे विंडो का प्रोविजन भी आपको मिल रहा है, फिटिंग सारे जैगवार के मिलेंगे आपको इसमें। आप इसमें भी वॉशरूम में भी आपको फॉल सीलिंग का प्रोविजन मिल रहा है जो कि आप देख सकते हो। ये मूविंग ऑन टू द बालकनी, ये इससे अटैच बालकनी है जो कि आप देख सकते हो, ये इसमें मार्बल का काम किया गया है बालकनी में पूरे में, यहाँ पे पूरे में ग्लास लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। ये फ्रंट बालकनी हो गया ईस्ट फेसिंग, ये इसका फ्रंट लुक हो गया। फ्लोर में मार्बल का काम किया गया है पूरे में, ये सामने में इसका हो गया, ये यहाँ पे स्पेस हो गया कुछ, और ये सामने में रैंप हो गया, और कुछ यहाँ का व्यू हो गया जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। मूविंग ऑन टू दी किचन एरिया, ये इसका किचन एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो, ये इसमें भी आपको
फॉल सीलिंग का प्रोविजन मिल रहा है पुणे में, काफी बड़े साइज का किचन है ये जो कि आप देख सकते हैं, और इसमें बॉक्सेस सारे बने हुए हैं। ये मॉडर्न किचन है और यहाँ पे फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है जो कि आप ये देख सकते हो, पुणे में टाइल्स का काम किया गया है इसमें, और इसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपको, ये हो गया वेट एरिया, मतलब सिंक हो गया, ये फिटिंग्स इसमें जैगवार के रहेंगे। यहाँ पे चिमनी का प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आरओ का पॉइंट का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जस्ट आरओ आप यहाँ इंस्टॉल कर लोगे, और यहाँ सिंक मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पे भी किचन में भी विंडो का प्रोविज़न है, प्रॉपर लाइट प्रॉपर एयर आएगी। यहाँ पे एक झॉस लग जाएगा, यहाँ पे चिमनी के लिए होल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ इंस्टॉल करके यहाँ से पाइपलाइन यहाँ निकल जाएगी। इवन अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे कुछ कुछ रखने के लिए, और सारे ये सॉफ्ट क्लोज हैं जो कि आप देख सकते हो, ये सारे ये सॉफ्ट क्लोज हैं। ये और साइज भी काफी, ये साइज काफी ह्यूज है ये, और ऊपर का ये हाइड्रोलिक है जो कि मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें हाइड्रोलिक यहाँ लगेगा आपको, बॉक्स साइज काफी बड़ा है ये, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं ये। यहाँ पे भी कुछ स्पेस के लिए उन्होंने बना के दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो, ये इसका पैंट्री एरिया हो गया, और काफ़ी इसमें ग्लास लगा हुआ है जो कि अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बड़ी, आप देख सकते हैं ये कि इसमें पूरे में ग्लास का काम किया गया है, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ है पूरे में, पूरे में ग्लास का काम किया गया है इसमें। ये इसका पैंट्री एरिया हो गया, और मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका जो साइज है स्टोरेज के लिए, काफ़ी बड़े साइज का ये है, बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें। और इधर भी दिया हुआ है कुछ स्टोरेज के लिए जो कि आप देख सकते हो, ये इसका किचन हो गया, प्रॉपर मॉडुलर किचन है। इसमें भी बॉक्स के नीचे में यहाँ पे टाइल्स का काम किया गया है पूरे में, स्विचेस काफी हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं। यहाँ पे जो स्पेस है ये फ्रिज का स्पेस आ गया, यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है इसका फ्रिज के लिए, और ये इसका हो गया जस्ट एक, मैं आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ किचन का, डिजाइन काफी अच्छा है इस किचन का भी। 205 गज में बना हुआ है ये, बट उसके अकॉर्डिंगली साइज लेआउट काफ़ी अच्छा निकला हुआ है इसका। मूविंग ऑन टू दिस सेकेंड बेडरूम, ये इसका सेकेंड बेडरूम है जो कि आप देख सकते हो, फ्लोर में वुडन टाइल्स का काम किया गया है पूरे फ्लोर में इसमें, और काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है ये। सामने में विंडो का प्रोविजन भी है आपको इसमें मिल रहा है, और जो कि आप देख सकते हो, ये इसमें भी आपको काफ़ी बड़े साइज का टीवी कैबिनेट का प्रोविजन आपको इसमें मिल रहा है। इवन इसमें हर एक रूम में टीवी का कैबिनेट आपको मिल रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया भी है अभी, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ। इसमें जो है स्लाइडर वार्डरोब का प्रोविजन आपको मिल रहा है इसमें जो कि आप देख सकते हो, ये एक बड़ी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा साइज कितना बड़ा है इसका, साइज काफ़ी ह्यूज साइज का है, काफी बड़े साइज का है ये जो कि आप देख सकते हो, ये और ये स्लाइडर है, सारे सॉफ्ट क्लोज के साथ हैं, एसी का प्रोविजन भी आपको इसमें मिल रहा है। मूविंग ऑन टू दी वॉशरूम, इसमें भी फ्लोर में फ्लोर टाइल्स का काम किया गया है, और इसमें फिटिंग सारे आपको जैगवार के मिलेंगे। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का प्रोविजन मिल रहा है वॉशरूम में भी जो कि आप देख सकते हो, ये और इसमें भी डिजाइन काफी अच्छा है इसका भी। इसमें भी आपको विंडो का प्रोविजन मिल रहा है, यहाँ पे एक झॉस लग जाएगा, काफी बड़े साइज का ही विंडो है तो आपको प्रॉपर लाइट भी आएगी वॉशरूम में, और सफोकेशन नहीं फील होगा आपको। ये इसका डोर हो गया, डोर का डिजाइन भी काफी अच्छा है ये,
जो कि आप देख सकते हो ये। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बैल्कनी, ये सेकेंड बेडरूम से अटैच्ड है बैक साइड बैल्कनी। इसमें फ्लोर में मार्बल का काम किया गया है पूरे में, जो कि आप देख सकते हो ये। रेलिंग में इन्होंने लोहे का दिया हुआ है, रेलिंग बना हुआ है। और ये इसका बैक साइड व्यू हो गया। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इस रूम का, जो कि आप देख सकते हो। और मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट बेडरूम वार्ड्रोब, एक बार आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा। उसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं आप देख सकते हो केवल इस रूम में आपको वार्ड्रोब मिलेगा, अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़न दिया है, यहाँ पे या इधर कहीं पे भी एक वार्ड्रोब बन जाएगा। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, इसमें देख सकते हो फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है पूरे में, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे बड़े साइज का विंडो भी दिया हुआ है, और आपको इसमें फॉल सीलिंग का प्रोविज़न भी आपको इसमें मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। एसी के प्रोविज़न भी आपको इसमें मिल रहा है, और इसमें हर एक रूम में आपको टीवी कैबिनेट का प्रोविज़न मिल रहा है। इवन आपको लॉबी एरिया, मतलब जो आपका हॉल एरिया है, उसमें भी आपको टीवी कैबिनेट का प्रोविज़न मिल रहा है। ये आपका ये हो गया टीवी कैबिनेट।